लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा बीटा टेस्टिंग और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इंट्रोडक्शन, उसका एग्जांपल और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कब और कैसे यूज होती है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम ये चेक करेंगे कि सॉफ्टवेयर एज पर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्लाइंट्स करते हैं ताकि वो ये बता सके जो बिल्ड है उन तक पहुंचा है वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी पता चल जाता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में फंक्शनल टेस्टिंग ही इन्वॉल्व होती है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का प्रोसेस, जिसको बोलते हैं यूएटी प्रोसेस, मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। प्रोडक्शन में मूव होने से पहले हम ये ध्यान में रखेंगे कोई भी क्रिटिकल डिफेक्ट्स या क्रिटिकल इश्यूज ओपन ना हो, बिजनेस प्रोसेस का जो वर्क फ्लो है वो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हो और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है उनका यूजर एक्सेप्टेंस साइन ऑफ मीटिंग में होना जरूरी है। तो एक सिंपल तरीके से देखें तो ये प्रोसेस में क्या है, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस, कैसे यूएटी का प्लान क्रिएट होगा और उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो यूजर हमसे चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और एग्जांपल जिसमें बता रहे हैं कि यूएटी की स्क्रिप्ट जो है वो कैसे होती है। जैसे आप देख सकते हैं टेस्ट नेम यूएटी, फिर एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, फिर उसके स्टेप्स लिखे और एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखा है। तो ये जो है ये एक स्क्रिप्ट है और यही यूजर का एक्सेप्टेंस है ऑन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर। ये जो यूएटी टेस्टिंग है वो एक प्रोसेस से रिलेटेड है और ये क्या टेस्ट करता है, रिक्वायरमेंट, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन होगा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या जरूरत है, डेवलपर अपने हिसाब से कोड कर दे और जो ओरिजिनल यूजर रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ना हो, तो रिक्वायरमेंट चेंज का अच्छे से कम्युनिकेशन ना हुआ हो डेवलपर से, यूएटी में क्लाइंट श्योर होगा कि उसको क्या एक्सपेक्ट करना है और वो एज्यूम ना करे कि ऐसा होगा, ही वुड बी श्योर कि ये ऐसा ही होगा, जो भी रिक्वायरमेंट दिए वो ऐसे ही फंक्शन करेगी। तो हमने देखा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन, उसका एग्जांपल, क्यों एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग मेथड्स।